नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय में मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय पंचायत भवन में बुधवार को भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में उन्होंने सरकार द्वारा किए गए अनेक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि प्रत्येक स्तर पर अपनी योजनाओं के जरिए पार्टी जन जन तक पहुंची है। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी की भिवानी इकाई द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह व जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपर ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद ने बताया कि भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र में महासंपर्क अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान आम आदमी तक भाजपा द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने 1947 के बाद पूर्व सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्यों व वर्तमान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लेखा जोखा कार्यकर्ताओं के सामने रखा और विकास के अंतर को विस्तार से स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में ये महासंपर्क अभियान चालू किया है और अलग अलग तारीखों में सारे देश के अंदर आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवियों तक, आपसरी में टिफिन पार्टी तक, ये सारी की सारी योजनाएं एक लिखित में भेज रखी हैं। आपने पहले का भारत भी देखा है, 9 साल पहले का, 1947 से लेकर 2014 तक का, और 2014 से आज तक का आपको खुद को नजर आ जाएगा कि पहला भारत कैसे था, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, कनेक्टिविटी के मामले में हो, फूड के मामले में हो, पानी के मामले में हो। आपको ध्यान है जब हम कभी दिल्ली से आते थे तो खरक कर उड़ाना बस तो वह पट्टी भी मिट जाया करती बिहार किसी रोड, और अब अगर आप देखोगे तो ये अब जहाँ केवल दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ से जाओगे तो हंसीवाड़ा भी काम चल रहा है नेशनल हाईवे का, यहाँ से जींदवाड़ा भी पूरा हो गया, लोहारू वाला भी चल रहा है, 3 बाईपास लोहारू जाते वक्त डिगावा जुई लुहानी उनकी रिपोर्ट भी आ ली, वहाँ भी बाईपास बनेंगे, भिवानी का पश्चिम का बाईपास की भी DPR तैयार होगी। यानी एक ऐसा रूप बदला है और हर सेक्टर में गरीब से गरीब आदमी को भी 80 करोड़ आदमियों को फ्री में अनाज देना दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। यानी इसी प्रकार हेल्थ का देखोगे तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना, हरियाणा में तो एक एम्स पार्ट 2 और आ गया, कैंसर का तो पहले आया रहा था एक रिवाड़ी में, बहुत जल्दी नींव रखेंगे अभी। यानी केवल एक काम नहीं किया है, सारा पुराना सिस्टम, जैसे बहुत बड़ी शिकायत रहती थी पीने के पानी की, सभी जगह लोहे के पाइप के लंबे ऑर्डर कर दिए और ये सारे देश में के हर घर में नल में शुद्ध पानी कैसे दिया जा सकता है, ये सारी बातें अब वो पूरे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन 5 लाख तक की गरीब आदमी को मदद देना एक बहुत बड़ी बात है। या तो सरकारी हॉस्पिटल में लेगा या पैनल पर जो हॉस्पिटल में है उनको पैसा मिलेगा, एक ऐसी शुरुआत कर दी कि धीरे धीरे हम भी 2047 तक ये देश विकसित देश की श्रेणी में कैसे आ सकता है, ये सोच केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जिसकी तर्ज पर हम आगे संविधान जिस प्रकार से बना था, केवल हम संविधान के ऊपर चलेंगे तभी ये बात बनेगी। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी भिवानी की ओर से विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला उपायुक्त एवं प्रधान रेडक्रॉस श्री नरेश नरवाल द्वारा किया गया। इस शिविर में जहां 73 युवकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, वहीं इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला उपायुक्त एवं प्रधान रेड क्रॉस श्री नरेश नरवाल IAS द्वारा किया गया तथा रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं व नियमित रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया और युवाओं को नियमित रक्तदान करने की शपथ भी दिलाई गई। रक्तदान शिविर सैकड़ों युवाओं द्वारा की रक्तकोष के पोर्टल पर अपना पंजीकरण के साथ साथ 73 युवाओं ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान भी किया और कार्यक्रम में रक्तदाताओं एवं संस्थाओं का सचिव रेड क्रॉस प्रदीप कुमार द्वारा आभार व्यक्त भी किया गया।
मैं रक्तवीर राजेश जुड़ेजा सर्वप्रथम तो भिवानी के सभी शहरवासी और नगरवासी और युवा रक्तदाताओं को रक्तदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और युवा साथी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ले रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं, और रक्तदान के प्रति जागरूकता आ रही है, उसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं। और सबसे प्रार्थना करूँगा कि अपने घर में, हर घर में रक्तदाता पैदा करें ताकि जागृति आए, किसी को जरूरत हो तो उसके परिवार से ही लोग रक्तदान करके उसकी पूर्ति करें। युवा नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि नशा करना है तो रक्तदान का करें, क्योंकि तो समाज की सेवा है, आपके रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचती है, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। वहीं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिले के अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और काफी मात्रा में रक्त एकत्रित किया गया। मैं मास्टर पवन कुमार, अध्यक्ष उड़ान वेलफेयर सोसाइटी मीताथल। आज हमने विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर 13वां रक्तदान शिविर लगाया है बाबा कुरुविनाथ स्कूल मीताथल में। इसमें अब तक हमारे जो पास रक्तदाता पहुंचे हैं 55 के लगभग रक्तदाता आ चुके हैं, और हमारा जो आज का लक्ष्य है वो 125 का टारगेट रखा हुआ है। तो रक्तदाताओं में जोश से भरा हुआ और वो निरंतर जारी है और वो आने लग रहे हैं। घर में संदीप एडवोकेट, गांव बुढ़ेड़ा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी का निवासी हूँ, और मैं भाई पवन मास्टर मीताथल का बड़ा धन्यवादी हूँ। मैं कई सालों से जिज्ञासा रख रहा था कि मैं अपना ब्लड डोनेट करूं, और मैं पहली बार यहां गांव मीताथल की धरती पे अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूं। और मैं औरों से भी कह रहा हूं कि क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, एक पानी और एक ब्लड, क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है इसलिए हम ब्लड की बात करेंगे। ब्लड की कभी कहीं कोई फैक्ट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ मानव शरीर है जो ब्लड का निर्माण करता है, और ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कभी किसी बीमारी में, ऑपरेशन में, कभी कोई एक्सीडेंट में इंजर्ड लोगों के लिए। स्थानीय रुद्रा कॉलोनी स्थित राजयोग केंद्र में स्थानीय पत्रकारों के लिए जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज परिवर्तन में मीडिया की सकारात्मक भूमिका विषय पर विशेष चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर भिवानी के अलावा बाहर से आए हुए बीके भाई बहनों द्वारा भी इस विषय पर अपने विचार साझा किए गए। बुधवार को तोसाम रोड पर स्थित रुद्रा कॉलोनी में समाज के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करने व नागरिकों को भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा पत्रकार सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंघल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू व हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट क्लब प्रदेश अध्यक्ष अजय मल्होत्रा व वरिष्ठ पत्रकार नरोत्तम भागड़ी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजिका एवं दिव्य केंद्र के संचालिका राजयोगिनी बीके रजनी बहन ने विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्ष 2023-24 को सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाने की जानकारी प्रदान की। वहीं इस अवसर पर फरीदाबाद से पहुंची बीके मधु व सोनीपत से पहुंची बीके लक्ष्मी इत्यादि ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम सभी अपने दिल में कोई ऐसा सुंदर सा दृढ़ संकल्प करें आज के शुभ अवसर पर। आज का यह प्रोग्राम विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी भिवानी में आयोजित किया गया। खास भिवानी के सभी मीडिया से संबंधित सभी पत्रकार, जर्नलिस्ट तथा अन्य जो भी मीडिया से संबंधित हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पूरी भिवानी के जितने भी भाई बहन हैं सब आकर के पहुँचे हैं। और विशेष रूप से आज का विषय था समाज के अंदर सकारात्मकता लाने में मीडिया का विशेष योगदान, और सचमुच में यहाँ पर एक विशेष प्रेरणा दी गई कि मीडिया प्रभाग जो हमारे समाज का एक बहुत प्रमुख भाग है, जिसके ऊपर बहुत कुछ आधारित है, यदि उनके जीवन में सकारात्मकता है, आध्यात्मिकता है, मेडिटेशन से उनके अंदर जो शक्ति आती है, आत्मबल बढ़ता है, उससे वो समाज को एक नई दिशा दिखाने में सक्षम होंगे। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय का यही अनुरोध है कि हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ग, इनके जीवन के अंदर बहुत स्थिरता आए, शांति आए, खुशी आए, आध्यात्मिक शक्ति आए, आत्मबल बढ़े, आत्म संयम बढ़े, ताकि समाज को
एनलाइटन करने में, उनको एजुकेट करने में, समाज के अंदर नैतिकता और वैल्यूज की पुनर्स्थापना करने में हमारे मीडिया कर्मी विशेष सहयोग दें, इसी लक्ष्य से इस सेमिनार का आयोजन। आज सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो है समाज को सही दिशा दिखाने की, और सही दिशा दिखाने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर मीडिया सकारात्मक सोच के साथ हर विषय को, हर समस्या को लोगों के सामने समाधान के रूप में पेश करे तो लोग एक सही मार्गदर्शन, एक सही रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए जरूरत मीडिया को अध्यात्म के साथ जुड़ने की है। जितना वो अध्यात्म से जुड़ेगा उतना ही उसकी सकारात्मक सोच से समाज परिवर्तित होगा, और जो हम सबकी परिकल्पना है कि सुंदर समाज हो, स्वच्छ समाज हो, वो बनता है। प्रगत कर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भिवानी सेवा केंद्र है उनके तरफ से आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था समाज परिवर्तन में मीडिया का सकारात्मक भूमिका। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमेशा जब से मीडिया का उद्भव हुआ तब से मीडिया सकारात्मक ही रहा, परिवर्तन का प्रक्रिया में मीडिया का हमेशा सकारात्मक भूमिका ही रहा। हाँ, ये बात सच है, कभी उसका सकारात्मक भूमिका जो है कभी धुंधला पड़ जाता है जब व्यक्तिगत स्वार्थ सामने आ जाता है। जैसे कुछ मछली पूरे तालाब को जो है गंदे कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया जो है स्वच्छ है, सकारात्मक है और अच्छे नियत से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है नियत को और आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे ही सकारात्मकता और आगे बढ़ाने के लिए, पत्रकारों को और ही आंतरिक रूप में सशक्त करने के लिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है इस सेमिनार का आयोजन किया है, और उनको आमंत्रित किया कि समय निकाल के अपने व्यक्तिगत स्तर पर समय निकाल के आके ये मेडिटेशन का अनुभव करें, राजयोग का अनुभव करें, जिससे अपने आंतरिक शक्ति बल अपना बल पाए और अपने परिवार, अपनी इच्छा, अपनी समाज को एक सच का विषय है कि आज एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन, परमात्मा की रूहानी शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज समाज के बारे में मीडिया की क्या भूमिका है इसके बारे में आज बड़े ही अच्छे माहौल के अंदर चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय मल्होत्रा जी, श्री ईश्वर धामू जी एवं पूरे शहर से, भिवानी छोटी काशी से आए हुए सभी पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, और समाज के अंदर किस प्रकार से मीडिया की भूमिका है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, जो अपने आप में एक मील का पत्थर भिवानी छोटी काशी के लिए अच्छे तरीके से साबित होगी। और जिस तरह से बहनें, जो हमारे मधु बहन हैं, चाहे और जो सुशांत भाई हैं, सभी लोग जो आए हैं, इन्होंने जिस प्रकार से आज समाज के अंदर मीडिया की क्या भूमिका रहनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत एक अच्छे माहौल में, सभी ने आनंदमय माहौल के अंदर इसके बारे में सुना। रुद्रा कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा मीडिया की भूमिका, समाज के परिवर्तन में मीडिया की भूमिका पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक अच्छी पहल है। जिस प्रकार से बढ़ता तनाव है और समाज में गिरावट आ रही है, उसके अंदर मीडिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, तो मीडिया के अंदर दोबारा से एक नया विश्वास पैदा करने और समाज से उसके जुड़ाव को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आगे भी ज़रूरत रहेगी, और मैं इसके लिए संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी जो हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सभी साथियों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ, और विश्वास दिलवाता हूँ कि हम लोग संस्था के जो भी कार्यक्रम होंगे, जहाँ भी होंगे, हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे। यहाँ पर मीडिया सम्मेलन हुआ रुद्र कॉलोनी में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। समाज परिवर्तन में समाज को बदलने में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनाएं, और इसमें राजयोग का अभ्यास भी कराया गया जो हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सिखाया जाता है, क्योंकि आज हमारा मन बहुत कमज़ोर हो गया है, संस्कार कमज़ोर हो गए हैं, और इसलिए हमारे रिश्ते भी ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, आर्थिक कमी भी हो रही है, वरना कई प्रकार की समस्याएं समाज में हम देख रहे हैं।
तो राजयोग एक ऐसा माध्यम है, अगर हम इसका अभ्यास करें, उस परम शक्ति से अपने मन का नाता जोड़ें, तो हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे और हमारे रिश्ते भी सबके साथ अच्छे होंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मन भी शांत होगा, सुखी होगा, खुश होगा, आत्मबल बढ़ जाएगा। तो ये राजयोग का अभ्यास हमें सुबह सुबह 15-20 मिनट जरूर करना चाहिए, इसको अपने डेली रूटीन में हमें जोड़ना चाहिए, जिससे हमारे मन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हम समाज के अंदर फिर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है कि समाज में जो मीडिया की सकारात्मक जो भूमिका है उस पर, और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आज किया गया है और इसकी ज़रूरत भी है। वर्तमान जो समय है इसमें हमारी दिनचर्या जो है और खान पान है उसका जो प्रभाव है वो हमारे विचारों पर भी पड़ रहा है, आचार विचार और व्यवहार जो है वो सब प्रभावित हो रहा है। ऐसे में एक ध्यान योग शिविर की भी ज़रूरत है। इस सेमिनार के माध्यम से ये एक मैसेज भी गया है कि हमें ध्यान योग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि जो स्ट्रेस हमारे ऊपर जो आता है प्रतिदिन वो न रहे और वो दूर हो। जो हम लिखें वो सही लिखें और जो दिखाएं वो सही दिखाएं। हम आज जो एक भूमिका में हैं वो ठीक उसी तरह है जैसे एक वाटर वर्क से जो पानी हमारे घरों के अंदर जाता है, पाइपलाइन जाती है, वो सही है तो सही पानी जाएगा, समझ जाएगा। अगर वो कहीं लीकेज है तो पानी गंदा होकर जाएगा। हम उस पाइप की भूमिका में हैं, अगर वो हम एक इंजीनियर की भूमिका में है पत्रकार का, अगर वो लाइन लीकेज है तो उसको दुरुस्त करें। तो हमारा यही संदेश है। भिवानी जिले के गांव बलियाली के तालाब में नहा रहे दो युवकों की डूबने से मृत्यु होने का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोहड़ के पास ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल और कपड़े देखे तो एकत्रित होकर तलाश करने पर दो युवकों के शवों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो युवक बलियाली के जोहड़ में नहाने के लिए उतरे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब देखा कि जोहड़ के पास मोटरसाइकिल और कपड़े पड़े हैं तो आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर जोहड़ में तलाशी की तो गांव के दो युवक विजेंद्र व रामनिवास जोहड़ में डूब गए। ग्रामीणों ने दोनों को जोहड़ से बाहर निकाला और उन्हें भिवानी के चौधरी वंशला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विजेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और रामनिवास का भी एक ही भाई है। वहीं गांव के सरपंच सचिन सरदाना ने बताया कि सूचना पर ग्रामीण और आसपास के सभी क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और दोनों को जोहड़ से बाहर निकाला। इस मामले में उन्होंने पुलिस से अपील की है कि दोनों गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाए जिससे उनके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सके। मेरा नाम है सचिन सरदाना, सरपंच बड़ियाड़ी से। घटना ये थी जी, लगभग 3 बजे के आसपास से हमने लीलाणी तालाब है स्टेडियम के पास गाँव बड़ियाड़ी में, तो वहाँ पे 3-4 बच्चे ही अपने युवा हैं, उनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है, तो नहा रहे थे तो इनके सूचना मिली हमें। मेरे पास 10 मिनट बाद ही फोन आया, वहाँ पे एक लड़के का ऐसे ऐसे चप्पल तैर रही है, तो वहाँ पे जाके मौके पे देखा तो हमारे गांव के 2-3 युवक उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने तुरंत SHO बवानी खेड़ा 112 नंबर पे फ़ोन किया, DC ऑफिस में एमरजेंसी में फ़ोन किया और जितनी भी सहायता थी हमारे पास 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में पहुँच गई थी, और तुरंत गोताखोर वहाँ पे आए और उनको निकालने का काम किया। तो यहाँ तक आए, थोड़ा थोड़ा उनको मामूली सा सांस भी चल रहा था, तो यहाँ पे आए तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिवानी में मृत घोषित कर दिया। मैं भाई साहब कुलदीप भारती है, बड़ियाली गांव है मेरा, और मेरे गांव में आज बड़ी दुख की घटना हुई है, इससे लेकर सारा गांव आज रो रहा है। घटना ये थी भाई साहब, दो लड़के थे मेरे गाँव के, वो नहा रहे थे जोड़ में, या कैसे हुआ उनका, नहा रहे थे या फिर पैर फिसला या एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, वो डूब गए। गांव का तालाब है ना, उसकी आप मान के चलो हाइट कम से कम पानी वहां पे है 12-13 फुट। लोगों को पता लगा, मैं वहां से गुजर रहा था, जब पता लगा तो वहां पे जैसे ही हमने छलांग लगाई
और 4-5 साथियों की मदद से मैंने उसको निकाला, यहाँ लेके आए मैं और एक भाई और था, हम एम्बुलेंस में उसको लेके आए। कृत्रिम सांस भी दी उसको हमने, लेकिन कुदरत ने नहीं था मंजूर, वो दोनों भाई आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत प्रयास किया, जैसे यहाँ पे आए डॉक्टरों ने हमें मृत घोषित कर दिया। गाँव वालों के लिए बड़ी दुख घटना है और भाई सरकार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, गरीब परिवार हैं, ऐसा ही परिवार हैं, एक दो बहनों का इकलौता भाई था, बाप का इकलौता बेटा था, उसको आर्थिक मदद की मैं गुहार करता हूँ, एक समाज सेवक होने के नाते, एक भाईचारे के नाते और एक शुभ चिंतक होने के नाते। मैं नगर में अनेक जगहों पर सीवरेज पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। स्थानीय बैंक कॉलोनी स्थित त्रिवेणी रोड पर भाटों वाली गली में रहने वाले लोगों ने बताया कि 8-9 महीनों से उनकी गली में भरे सीवरेज पानी का कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायत वो सभी विभागों और ऑफिसर्स को भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 11 की यह परेशानी काफी दिनों से चल रही है। वार्ड नंबर 10 के एमसी ने तो इसकी 2 बार सफाई भी करवा चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 11 के एमसी किसी का फोन तक नहीं उठाते। काम तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि अगर यह पानी किसी पार्षद के घर के सामने या सांसद के घर के सामने खड़ा होता तो तुरंत ठीक हो चुका होता, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चे कई बार गंदे पानी में भी गिर चुके हैं, काफी बार मोटरसाइकिल सवार भी इसमें गिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बच्चों का निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत नगर पालिका में और एमएलए के यहाँ भी की जा चुकी है और पिछले 8 महीने से वो इस परेशानी को झेल रहे हैं। वार्ड नंबर 11 है, इसकी सीवर लाइन है ना बार बार ब्लॉकेज होती है और इसको हम अपने लेवल पे भी हम इसको सफाई करवा चुके और सतीश जी को भी कंप्लेंट कर चुके हैं बार बार और वो कोई उसके बाद कोई सुनाई नहीं कर रहा। और 11 नंबर का वार्ड का जो इसका एमसी है वो करमवीर यादव है, तो उसको बार बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी पिक नहीं करता। और एक दो बार ये अजय 2-10 नंबर का एमसी है, उसने करवाया है इसको काम, तो उसको भी बोलता है कि इसमें तो मेरा वार्ड है, इसमें तो बीच में दखल अंदाजी मत कर, ऐसे उसको वो बयानबाजी करता है। और ये अजय भाई से मैं परसों भी मिला था तो उसने बोला है कि ये जो टेंडर छूटने वाले हैं इनके नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के, तो वो जो टेंडर छूटने के बाद में इसकी कार्रवाई होगी, एज पर ये जो स्पीच है ये अजय भाई की है 10 नंबर वार्ड वालों की, उसने ऐसा बोला मेरे को। मैं परसों भी उससे मिल के आया था, भाई साहब ये जो बच्चे हैं ये बीमार हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, मलेरिया का पूरा प्रकोप हो रहा है इनसे, और आसपास में छोटे बच्चे हैं ये बिल्कुल गंद, इतनी दुर्गंध आती है हवा के साथ में, सब लोगों को ये परेशानी हो रही है। वाटू जी बैंक कॉलोनी का प्रधान हूँ जी, वार्ड बस्ती का प्रधान हूँ जी। ये 8-9 महीने से आम रास्ता है, मैं बुजुर्ग आदमी जाने आने के लिए परेशानी होती है जी, बच्चे भी रहते हैं स्कूल में का रास्ता है बच्चों का, ये बच्चे भी दुख पाते हैं, इसी से मच्छर पैदा हो रहे हैं साहब। भाई साहब जय जाके करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती इस पानी के बारे में, बहुत बार जाके कंप्लेंट कर दी, भाई साहब कहते हैं 2-3 बार करवाए, इसने पाइप लाइन को ठीक करवाया, इसको सीवर लाइन साफ करवाएं, पर बाकी और किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। 11 नंबर वार्ड का एमसी करमवीर यादव है, वो हमारे को फोन भी नहीं था भाई साहब। लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए लोगों को गर्मी से कुछ राहत प्रदान करने के लिए श्री श्याम गुणगान मंडल द्वारा एकादशी के अवसर पर मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस अवसर पर हनुमान जोहड़ी धाम के महंत चरणदास महाराज का विशेष सानिध्य रहा और राहगीरों को ठंडा व मीठा पानी पिलाया गया। इस बारे में महंत चरणदास महाराज ने बताया कि श्री श्याम गुणगान मंडल के द्वारा आज भक्तों के लिए श्याम बाबा का प्रसाद लगाकर भक्तों को विशेष प्रसाद दिया गया। समय समय पर श्री श्याम गुणगान मंडल इस प्रकार के आयोजन करता रहता है। वहीं मंडल के प्रवीण बासिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकादशी तिथि के अवसर पर श्री श्याम गुणगान मंडल के द्वारा श्याम बाबा का प्रसाद लगाया गया और पानी की छबील लगाई गई और तथा भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। एकादशी है और श्री श्याम गुणगान मंडल के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, लोगों को जो हर प्रकार का प्रसाद दिया जा रहा है, पानी है और जो जो व्यवस्थाएं हैं वो भाई ने पता भी है, भगवान का दरबार लगा है और लोग दर्शन भी कर रहे हैं और प्रसाद भी पा रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। कहीं कहीं आप और श्री श्याम गुणगान मंडल के माध्यम से जो काम होते हैं भिवानी में, अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक मैसेज है लोगों के लिए, भाई बाबा श्याम के प्रति लोग जुड़े भी, भगवान को माने भी और भगवान के प्रति जहाँ भी ऐसी कामनाएं हो, जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम हो वहाँ पहुँच करके अपना आशीर्वाद मिले। श्री श्याम आज फिर 11 श्री श्याम गुणगान मंडल द्वारा आशी गेट चित्रकूट पे प्रसाद का वितरण कराया गया। हर साल के बाकी यहाँ पर हर साल प्रसाद वितरण होता है, सैकड़ों की संख्या में आज प्रसाद वितरण हो रहा है और आशी गेट पर हर बाबा श्याम की हमारे पर बड़ी कृपा है, सदा बनी रहे। जय श्री श्याम गुणगान मंडल। हमारे सेट में बस इतना ही, अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।